नमस्कार, नवोदय प्रेस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की यह एक और ताज़ा खबर। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के अवसर पर बीते बुधवार को झांसी जिले के कस्बा बबीना में अलग अलग दो शोभा यात्राएं निकाली गईं। पहली शोभा यात्रा महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान बबीना के तत्वाधान में निकाली गई, तो वहीं दूसरी शोभा यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वाल्मीकि समाज बबीना के तत्वाधान में एवं वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष पूर्व पार्षद छावनी परिषद बबीना अनिल वाल्मीकि पहलवान के नेतृत्व में निकाली गई। सर्वप्रथम शाम 4 बजे के आसपास महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान की शोभा यात्रा का शुभारंभ स्थानीय रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित राजा तालाब से किया गया, जो चलकर स्थानीय मेन रोड के चौराहे पर पहुंची, जहां संस्थान के लोगों द्वारा पूर्व केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, कांग्रेस के राहुल रिछारिया, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व बबीना विधायक कृष्ण पाल राजपूत, पूर्व बबीना ब्लॉक प्रमुख ठाकुर वीरेंद्र सिंह जूदेव, बबीना रूलर के पूर्व जिला पंचायत सदस्य भारत सिंह यादव और बॉबी चेयरमैन का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पधारे अतिथियों ने लोगों को संबोधित करते हुए वाल्मीकि समाज का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं शाम 6 बजे के आसपास वाल्मीकि समाज बबीना के अध्यक्ष पूर्व पार्षद अनिल वाल्मीकि पहलवान के नेतृत्व में दूसरी शोभा यात्रा का शुभारंभ राजा तालाब बबीना से किया गया। आपको बता दें कि यह शोभा यात्रा हर वर्ष वाल्मीकि समाज बबीना के तत्वावधान में आयोजित की जाती है। यह शोभा यात्रा जैसे ही स्थानीय चौराहे पर पहुंची तो नगर के लोगों ने शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया। वहीं वाल्मीकि समाज द्वारा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा का मंच पर फूलमालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मंच पर नगर के पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा में विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूप की झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। सबसे आगे लवकुश घोड़े की लगाम पकड़े हुए आगे चल रहे थे, तो वहीं बग्गियों पर महर्षि वाल्मीकि, माता सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, शिव इत्यादि के स्वरूप विराजमान थे। झांकी में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र मथुरा वृंदावन से आई रासलीला के कलाकारों का कृष्ण लीला पर आधारित नृत्य रहा। रासलीला के कलाकारों ने बड़े ट्रॉले पर सजे हुए मंच पर संगीत की धुन पर रासलीला का मंचन किया। शोभायात्रा के दौरान नगर में जगह जगह समाजसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा स्टॉल लगाकर शोभा यात्रा में शामिल लोगों को स्वल्पाहार एवं जलपान भी कराया। संपूर्ण नगर का भ्रमण करती हुई यह शोभा यात्रा बाद में पहाड़ पर स्थित प्राचीन महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर पर पहुंची, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा ने भगवान महर्षि वाल्मीकि की आरती की एवं सभी देवी देवताओं के स्वरूपों का सम्मान किया। अंत में मंदिर में उपस्थित सभी भक्तों को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। दोनों शोभा यात्राओं के दौरान मेन रोड पर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बबीना थाना अध्यक्ष ब्रजेश बहादुर सिंह ने अपने पुलिस बल के साथ भारी मशक्कत करते हुए सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा। इस दौरान यातायात को नियंत्रित करने के लिए थाना अध्यक्ष ने स्वयं कमान संभाल रखी थी। इस वर्ष बबीना कस्बे में क्यों दो शोभा यात्राएं निकाली गईं, आइए जानते हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से शाहिद खान के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, नवोदय प्लस टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं शाहिद खान है। मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में यहाँ के जो चर्चित विधायक राजीव पारीछा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सीधे तौर पर आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस कार्यक्रम में उन्होंने कब से वो जो है इस कार्यक्रम में, अभी देखा कि आपने देखा होगा चौराहे पर भी अभी कार्यक्रम था, उसमें भी आपने शिरकत की और एक पैगाम देने की बात की है। राजीव जी, विधायक जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे कि आज महर्षि वाल्मीकि जी की नगरी में जो कि एक भक्तिमय तरीके से मनाया जा रहा है और हर वर्ष की भांति इस बार भी आपकी उपस्थिति रही, इस बार क्या नया कुछ करेंगे यहाँ के आप जो है? मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ भगवान वाल्मीकि जी के प्राकट दिवस के अवसर की। और ये बबीना हमेशा से भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा और उनके जन्मदिन का जो
सुख और जो अवसर है उसको बड़े आनंद के साथ मनाता रहा है। बबीना पूरे क्षेत्र में विख्यात है वाल्मीकि जी के कार्यक्रम को करने को लेके। आज फिर वही अवसर आया है। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण ये जो आनंद था बबीना नगर के लोग इसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे थे। आज कोरोना के उस दंश को झेलकर हमारा समाज हमारा देश बाहर निकला है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है तो वो वैक्सीनेशन की है जी। आज लगभग हम लोग दुनिया में सबसे बड़े कीर्तिमान के साथ लगभग 100 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन की डोज दे चुके हैं। लगभग 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, एक डोज या दोनों डोज जी। तो आज उसका लाभ मिला है कि हम अपने पर्व त्योहारों को आनंद के साथ में पूर्व की भांति आज मना पा रहे हैं। अगर वो वैक्सीनेशन का प्रयास नहीं हुआ होता तो जो तीसरी लहर की संभावना हो रही थी उसके डर के मारे शायद ये छुट्टी ना मिलती हमको। आज इसके लिए आज के इस अवसर को आज हम मनाने लायक बने हैं। इसके लिए मैं बधाई देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने चाहे दशहरा का त्यौहार हो चाहे नवरात्रि के त्यौहार हो, आज वाल्मीकि जी की जयंती है, आज ये सारे त्यौहार जो हम पिछले 2 साल से नहीं कर पा रहे थे, नहीं मना पा रहे थे, कहीं ना कहीं हम अपने घर में कैद थे, एक अपनी सीमाओं में रह रहे थे, प्रोटोकॉल में रहना हमारी मजबूरी बन गई थी। आज मोदी जी के इस यशस्वी प्रयास के कारण पूरा देश हर्षोल्लास के साथ में अपने सारे त्योहारों को मना रहा है। कल एक बारा वफात का भी कार्यक्रम था, आज सभी मुस्लिम भाइयों ने भी उस मोदी जी के प्रयास के कारण उस त्यौहार को बड़ी श्रद्धा के साथ में मनाया। आज वाल्मीकि जी भगवान वाल्मीकि जी का प्राकट्य दिवस है, जिन्होंने दशरथ नंदन राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राम तक पहुंचाने में जिनकी भूमिका रही, ऐसे महान योगी और संत महर्षि की आज जयंती है। आज पूरा बबीना नगर भक्तिमय है और आनंद के साथ में देखो भव्य यात्रा यहाँ निकल रही है और मैं बधाई दूंगा इस यात्रा के आयोजक अनिल पहलवान जी जो हर साल अपनी भूमिका को बढ़ाते हुए समाज को एकत्रित करते हुए लगातार अच्छे से अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है और हम सब लोगों को इस समय हमारे साथ यहाँ पर वाल्मीकि समाज के जो अध्यक्ष हैं अनिल पहलवान, काफ़ी लंबे अरसे से ये अध्यक्ष हैं इस कमेटी के और अभी दुर्भाग्यवश यहाँ बबीना में वाल्मीकि समाज में 2 गुट बन गए हैं और दूसरे गुट के अध्यक्ष हैं प्रकाश मुखिया, जिनके नेतृत्व में शोभा यात्रा यहाँ से अभी जा चुकी है मंदिर पर और अब ये दूसरी शोभा यात्रा का यहाँ पर शुभारंभ अनिल पहलवान जो कि वाल्मीकि समाज के काफ़ी लंबे अरसे से अध्यक्ष हैं। तो मैं अनिल वाल्मीकि जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर बबीना में ये गुटबाजी क्यों, क्योंकि इससे पहले कोई गुटबाजी नहीं थी तो ये कार्यक्रम और भव्यता के साथ बहुत अच्छा लगता था। हमारी समाज जो है कोई 2 गुट नहीं है और हमारी समाज सभी लोग एक हैं और सारे लोग मिलजुल कर एक ही झांकी निकाल रहे हैं और सारी शोभा यात्रा में सारे लोग मिलजुल कर सारी समाज यहाँ इकट्ठी हुई है और बाकी लोग क्या है कि चाहते थे कि अलग से एक शोभा यात्रा निकलती रहे, लोगों का उत्साह बढ़ता रहे समाज की और मोहल्लों से भी झांकियाँ निकलें, इसीलिए सारे लोग मिल के अलग अलग झांकियाँ निकाल रहे हैं जिसमें बबीना का नाम रोशन हो, समाज का नाम रोशन हो और हम इस वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में सारी समाज को सारे बबीना नगर के सभी नगरवासियों को सभी को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं और वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज के आयोजन के बारे में आप बताएं विस्तार से कि क्या क्या होगा आज। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे विधायक माननीय श्री राजीव सिंह पारीशाह जी हैं और इस कार्यक्रम में भगवान श्री राम, भगवान श्री वाल्मीकि भगवान, लवकुश, सीता माता, राम लक्ष्मण की भव्य झांकियां निकाली जा रही हैं। इसमें एक रंगारंग कार्यक्रम भी है, भगवान कृष्ण का रंगारंग कार्यक्रम भी है, वो भी चल रहा है साथ साथ और सारी समाज मिलकर कार्यक्रम की सफल बनाएगी और सारे आप लोग हैं बबीना नगरवासी हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने यहाँ आए हुए हैं। अभी आपकी शोभा यात्रा कब तक प्रारंभ होगी और मंदिर पे क्या क्या आयोजन होंगे आज? मंदिर पर हम लोग सारे यहाँ शोभा यात्रा निकालकर मंदिर पर पहुँचेंगे, हमारे माननीय विधायक जी आरती करेंगे, वहाँ पात्रों का सम्मान होगा और उसके बाद कार्यक्रम की प्रसाद वितरण कर रूप खत्म कर दिया जाएगा। तो ये थे वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष अनिल पहलवान, जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अब बबीना में गुटबाजी नहीं है बल्कि अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से झांकियां अगर निकाल रहे हैं
तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो उनका जवाब था ये राजनीतिक था, बाकी बातें जनता समझती है। क्योंकि अभी हमने देखा कि हम चूँकि पत्रकारिता करते हैं, हमारे पास दोनों तरफ से कार्ड आए हैं। एक कार्ड में अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि जी हैं और दूसरे कार्ड में अध्यक्ष प्रकाश मुखिया जी हैं। तो हम चाहेंगे कि भविष्य में आने वाले समय में ये जो गुटबाजी है ये गुटबाजी खत्म हो और बबीना में जिस भाईचारे के साथ वाल्मीकि समाज पहले रहता था उसी प्रकार रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से गौरव कुमार के साथ शाहिद खान और विजय वर्मा की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।